हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाला हूँ मैं मार्स हेलीकॉप्टर इंजीनियरिटी के बारे में कि ये जो हेलीकॉप्टर है जो कि नासा ने बनाया है, ये क्या करने वाला है, ये दूसरे प्लेनेट पे क्यों जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा। तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि पहली बार वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट जाने वाला है जो कि दूसरे प्लेनेट पर सर्वाइव कर पाएगा, जो दूसरे प्लेनेट पर एक अच्छी उड़ान भर पाएगा। ये जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम है मार्स हेलीकॉप्टर इंजीनियरिटी। अब ये जो हेलीकॉप्टर है इसको तैनात किया है अभी मई 2020 में, मतलब बनकर पूरा तैयार हो चुका है, इसको फाइनल टच पूरा हो चुका है इस हेलीकॉप्टर का। अब जो है वो अभी 30 जुलाई 2020 मतलब 30 जुलाई 2020 को इस हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो पूरे जो प्रोसेस जो हो रही है कि नासा ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसका नाम है मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। अब ये जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है ये नासा करवाता है। नासा ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था उन्होंने किया था 1993 के अंदर। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं कि इसको एक लॉन्ग टर्म एफर्ट मानते हैं ताकि जैसे मार्स है वैसे दूसरे और जो प्लैनेट हैं वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सके। अगर मैं सिर्फ मार्स प्लैनेट के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की ही बात करूँ तो इसके चार मेन गोल्स हैं। जैसे कि पहला गोल ये है कि लाइफ कैसी होगी मार्स पर, वो जानना कि वहाँ पर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता करना। दूसरी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ कब कैसा वेदर रहता है, किस तरीके की एनवायरनमेंट पूरी क्रिएट रहती है, तो उसको जानना कि मार्स पर किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तीसरी है वहाँ की जियोलॉजी, की जियोलॉजी कैसी है मार्स की, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, सारे डेटा कलेक्ट करना ताकि कोई चीज़ हम भेजें या कुछ हो तो उसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, कि अगर किसी को मार्स प्लेनेट पे भेजें तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है जो एक ह्यूमन उसको ले सकता है या कैसे वो सर्वाइव कर सकता है उस प्लेनेट के ऊपर। तो ये चार चीज़ों को रखते हुए, फोर टर्म गोल्स को रखते हुए मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी खर्चा आता है एक्सप्लोरेशन के अंदर उसको फंड करता है नासा। तो नासा के द्वारा ये सारी चीज़ें फंड रहती हैं कि आप बस इसको एक्सप्लोर करते रहिए, इन्वेंशन करते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन करते रहिए। और ये जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसके चारों गोल्स जो हैं वो टिक होने चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें और सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे प्लेनेट की पता कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि हेलीकॉप्टर क्या क्या कर सकता है। हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें चार ब्लेड हैं। अब ये जो चार ब्लेड हैं ये बने हुए हैं कार्बन फाइबर के। अब क्योंकि कार्बन फाइबर के बने हुए हैं जिसमें कि दो जो रोटर्स जो हैं स्पिन रोटर्स हैं वो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये जो रोटर्स की जो स्पीड होगी, ब्लेड्स की जो स्पीड होगी, वो हमारे जो अर्थ में जो हेलीकॉप्टर हैं उनसे 24 गुना ज्यादा होगी। मतलब उस ब्लेड्स की जो स्पीड होगी, इन रोटर्स की जो स्पीड होगी मोर देन 24 RPM होगी। तो इस तरीके की चीजें इसमें लगाई गई हैं ताकि इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। और एक और चीज कि इसमें सोलर सेल्स और बैटरीज लगाई गई हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए गए हैं ताकि इसको पूरा हाईटेक बनाया जा सके, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो अपने आप वहां सॉल्व हो सके। तो पूरा हाईटेक इसको बनाया गया है ताकि इसको अच्छे से लॉन्च किया जा सके। अब ये जो चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से 99% डेंस्ड है। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर से 99% डेंस्ड है तो जो हेलीकॉप्टर डिजाइन किया गया है वो लाइट वेटेड होना चाहिए, उसके ब्लेड्स उस रोटर जो होते हैं वो बड़े होने चाहिए, फास्टर होने चाहिए ताकि उस सरफेस पर लैंड कर पाए और वहां पर अच्छे से सर्वाइव कर पाए। अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो इसके नाम में है कि इसको इंज्यूनिटी नाम ही क्यों दिया गया, मार्स हेलीकॉप्टर इंज्यूनिटी। इंज्यूनिटी का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम क्रिएटिविटी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लगाई जाती है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाता है, जुगाड़ लगाया जाता है ताकि इसको और अच्छी तरीके से बनाया जा सके, कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा, उस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उनको सबको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है, इसलिए इसको बोला गया इंज्यूनिटी। अगर मैं इसकी बात करूँ ताकि क्रिएटिविटी की हेल्प से ये सरफेस पे अच्छे से लैंड हो सके, वहाँ के एटमॉस्फेयर को गैदर कर सके, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें सिस्टम ऐसे लगे कि ऑटोमेटिकली ये एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। अगर वहाँ वार्म है तो थोड़ा कूल होकर के अपने जो टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करेगा, और अगर कूल है तो वार्म कर लेगा, ताकि इसकी जो मशीन जो इक्विपमेंट इसमें जा रहे हैं, जो कॉम्पोनेंट इसमें लगे हुए हैं
उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें ऑटोमेटिक पावर सप्लाई भी दिया हुआ है क्योंकि वहां पावर सप्लाई की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए इसमें सोलर सेल्स और बैटरीज लगाई गई हैं जो अपने आप चार्ज होंगी और इसको पावर प्रोवाइड कर पाएंगी। तो इस तरीके से इसमें एक्सट्रीम क्रिएटिविटी लगाई गई है, बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि इसको हल्का और बहुत अच्छा बनाया जा सके, और जितनी भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन है अच्छे से गैदर करके हमको दे सके, ताकि ये जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो नासा काफी सालों से फंड कर रही है वो सक्सेसफुल हो सके। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के इन्वेंशन किए जा रहे हैं। तो ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि पहली अपनी सबसे सफल और कंट्रोल्ड जो फ्लाइट बोलते हैं वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल सकेगी और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, और भी कोई चीज़ें हमारे देश में हो रही है, हमारे वर्ल्ड में इनोवेशन, इन्वेंशंस, किसी भी तरीके की कोई भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन हमेशा देता रहूंगा। आप बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बाकी तो आप बता सकते हैं कि किस पर मैं टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, या आप क्या चाहते हैं इस वीडियो में किस तरीके का इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या कमियां लगी आपको मेरे वीडियो के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है। अगली बार हम जरूर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते।